पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय लगातार चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में और अब 26 मई 2014 से लेकर आज तक श्री नरेंद्र मोदी जी के समय है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सभी इकाई के प्रमुख नेता यहाँ आज उपस्थित हुए हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच एकात्म मानव दर्शन की सोच कि गरीब की ज़िंदगी में कैसे सरकार परिवर्तन ला सकती है और जिसका प्रैक्टिकल 26 मई 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं में दिख रहा है कि गरीब के घर पे गैस पहुंचे, 11 करोड़ गरीबों के घर पे गैस पहुंचा, लगभग 11 करोड़ गरीबों के घरों में शौचालय बना, 40 करोड़ गरीबों को बैंकिंग से जोड़ा गया, देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ा गया और छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है कि गरीब की चिंता, नीतियाँ बनाते समय गरीब के जीवन के अंदर कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग कार्यरत रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए इस देश से गरीबी मुक्त भारत, गंदगी मुक्त भारत, जात पात और धर्म के द्वेष मुक्त भारत का जो सपना लिया है हम उसे पूरा करेंगे और आज हमने उनकी पुण्यतिथि पर शपथ ली है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकात्म मानव दर्शन को प्रैक्टिकल जामा पहनाने के लिए जिस भी पद पर जाएंगे गरीब की चिंता, गरीबी के खिलाफ लड़ाई उसको जारी रखेंगे और इस देश को और मजबूत बनाने के लिए सर पाँच जीवन भर काम करेंगे। सर 5 अगस्त 2019 को दो चीज़ों का वादा किया गया है, एक तो स्टेटहुड को वापस और 4G को, 4G तो बहाल हुआ है अब स्टेटहुड का बहाल हुआ। ऐसे स्टेटहुड तो स्टेट तो है ही, स्टेट तो यूटी है, अभी देश तरक्की कर रहा है और जम्मू कश्मीर शांति है, आज आगे बढ़ रहा है। आप देखिए जम्मू कश्मीर का विकास देखिए, टूरिज्म देखिए, हमें आगे बढ़ना है और जल्दी ही यहाँ चुनाव होंगे, स्टेट वापस इलेक्शन होंगे, विधानसभा बनेगी। सर हम इलेक्शन कमीशन का काम है लेकिन मेरे को लगता है जल्दी होने वाले हैं भाई साहब। ये सब चीज़ें नीतिगत फैसले हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ की खुशहाली के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ के टूरिज्म के लिए निरंतर काम कर रही है और आपको दिखा भी होगा कि इस बार इतनी विंटर में श्रीनगर के सभी होटल आज बुक हैं, खुशहाली आनी चाहिए, टूरिज्म बढ़ना चाहिए और हमें शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए, प्यार चाहिए, जो कश्मीर की कश्मीरियत की असली खुशबू है, असली ताकत है, उसको हम बढ़ाएं।